डॉक्टर सोभन सिंह जी, इस विभाग के अन्य शिक्षकगण, देश के विभिन्न स्थानों से यहाँ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आए सभी प्रतिभागीगण, प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, संस्कृत भाषाया महत्वम कदापि इदम् उस समय की तुलना में कभी भी संस्कृत भाषा का महत्व स्वतंत्र भारत में अधिक नहीं रहा। इदम् संस्कृत भाषाया विकासस्य स्वर्णिम कालम अस्ति। उसका कारण ये है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें शासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में प्रदेश में और केंद्र में जो शासन व्यवस्था है वो संस्कृत को प्रोत्साहित करने के लिए, संस्कृत को स्थापित करने के लिए बहुत अधिक सक्रियता पूर्वक प्रयास कर रही है। शासन का सबसे बड़ा काम जन कल्याण को स्थायी रूप से परिवर्तित करना होता है। मेरा ये मानना है कि संस्कृत भाषा में ज्ञान का जो कोश है वह आज तक प्रासंगिक है। यहाँ बैठे हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में जो अमूल्य ज्ञान है संस्कृत भाषा के ग्रंथों में, उस ज्ञान की वर्तमान समय में जो कथित विकसित देशों में शोध हो रहा है उनके ज्ञान से क्या समानांतर स्थापित हो रहा है, ये शोध करना बहुत आवश्यक है। हमारे लिए केवल संस्कृत भाषा में परास्नातक उपाधि प्राप्त करना या पीएचडी की उपाधि प्राप्त करना ही आवश्यक नहीं है। जैसा मैंने रेखांकित किया, संस्कृत भाषा और समाज विज्ञानियों के संयुक्त प्रयास से अनेक शोध प्रकल्प प्रारंभ किए जा सकते हैं। कोई समाज विज्ञान का विद्यार्थी है, आचार्य है, वो संस्कृत नहीं जानता, कोई अर्थव्यवस्था के बारे में काम कर रहा है उसको भी संस्कृत का ज्ञान नहीं है। हमारे समस्त ग्रंथों में, जो सारे ग्रंथ संस्कृत में ही हैं, जिन्हें मैंने पिछली बार भी उल्लिखित किया था, वेद प्रमुख हैं, उपनिषद प्रमुख हैं, जिनको हम पुराण कह करके कई बार रिजेक्ट कर देते हैं, उन पुराणों में भी ज्ञान का बहुमूल्य भंडार है। ऐसे सब ग्रंथों का अध्ययन संस्कृत के विद्यार्थी कर सकते हैं और उन शोध परियोजनाओं में वो अच्छा
ज्ञान को पुनः स्थापित करने का कार्य कर सकते हैं। एक, इस प्रकार के शोध प्रबंधों को वर्तमान शासन व्यवस्था अत्यधिक प्रोत्साहित कर रही है। प्रोत्साहन में धन का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे शोधार्थियों को विशेष वृत्ति स्पेशल अलाउंस देकर भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप सब संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि हम ऐसे शोध प्रबंधों की रूपरेखा अपने शिक्षकों के माध्यम से बनाते हुए विभिन्न केंद्रीय और राज्य शोध संस्थाओं को प्रस्तुत करेंगे। यहाँ के लिए मैं विभागाध्यक्ष को ये परामर्श दूंगा इस मंच से कि मैंने पहले भी कहा था, संस्कृत कर्मकांड को आप आधुनिक लोग बहुत उपहास की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन संस्कृत कर्मकांड की नहीं है, संस्कृत संस्कार की भाषा है। और संस्कृत व्यक्ति, सुसंस्कृत व्यक्ति ही पूर्णता को प्राप्त करता है। जिस जो व्यक्ति संस्कृत नहीं है, जिसके संस्कार अच्छे नहीं है, वो व्यक्ति सदैव अपना भी भला नहीं कर सकता और समाजोपयोगी वो होगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। आवश्यकता है कि ऐसे संस्कार प्रदान करने वाली भाषा को और अधिक स्थापित किया जाए। विश्व के अत्यधिक सभ्य समाजों में भी ये परंपरा नहीं है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने ये कल्पना की थी और वो सत्य है कि गर्भ में जो बच्चा है उसको भी संस्कारित करने की आवश्यकता है। ऐसा गर्भवती बहनों और माताओं को किस प्रकार से संस्कारित किया जाए, उनके लिए भी एक पाठ्यक्रम देश के कई विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभागों द्वारा शुरू किया गया है। ऐसा पाठ्यक्रम हमारे विभाग द्वारा भी शुरू किया जाए तो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के दीर्घकालिक सुखदायी भविष्य की व्यवस्था करेंगे। जो ताली बजाने की आवश्यकता नहीं हुई, ताली बजा करके आप लोगों को ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है, ताली बजा करके हम किसी भी जो कार्यक्रम है उसकी गंभीरता को कम करते हैं। जो मैंने आपको बताया है आप उस पर विचार कीजिए और इस दिशा में शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए। इसी शुभकामना के साथ मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले वर्षों में हमारा ये कार्यक्रम और अधिक शोभायमान और अधिक गरिमामयी ढंग से संपादित होगा। हमें विचार करना होगा कि किस प्रकार हम और अधिक संख्या में महाविद्यालयों के कार्यरत शिक्षकों का प्रतिभाग इसमें सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।